हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन का कंसेप्ट है, थोड़ा मैथमेटिक्स होगा इसमें, और फिर जब मैथमेटिक्स जनरेट कर लेंगे तो फिर बाद में फिजिक्स देखेंगे क्या क्या फिजिक्स इसमें जनरेट होकर आती है। कुछ लास्ट में लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में फिजिक्स डिस्कस करके मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें बताऊँगा जो पेपर में कंपटीशन में क्वेश्चन जहाँ से आते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसी में, उसमें केवल अप्लाइड कंसेप्ट ही लेंगे, केवल क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो सब देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या करें कि एक सिस्टम लें, और ये एक सिस्टम ले लिया, इसका वॉल्यूम वी ले लें पूरे का, इसमें एक छोटा सा डाइपोल ले लें, डाइपोल मोमेंट उसका डी पी ले लें, यहाँ से एक पॉइंट पी ले लें जो डिस्टेंस आर पे है, इसके कारण यहां पे ये एंगल जो है वो थीटा ले लें। तो सबसे पहले क्या करें, इसके कारण जो छोटा सा डायपोल है डीपी, जिसका डायपोल मोमेंट डीपी है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल वी लिख दें, उसको लिख दें डीवी, पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल मोमेंट डीपी। डी वी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, डी वी हो जाएगा 1/4πε0 डी पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला जो यूज किया है वो मैंने एक लेक्चर अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था, जिसमें मैं पोटेंशियल निकाल रहा था, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वहीं से लिया है, जिसमें v था, अगर डायपोल मोमेंट p है तो v था 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या है, डायपोल मोमेंट dp है और एंगल ये थीटा दिख ही रहा है हमारा डायपोल मोमेंट से, और ये r डिस्टेंस हो गई यहाँ से डायपोल मोमेंट से पॉइंट p की, जिसपे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, v हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करें, पोलराइजेशन की डेफिनेशन से लें। पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो P बराबर जो हमारा पोलराइजेशन है उसे हम लिखते हैं P बराबर dP अपॉन d टॉ, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमारा वॉल्यूम एलिमेंट d टॉ में डायपोल मोमेंट dP है तो पोलराइजेशन P की वैल्यू जो होगी वो हमारी dP अपॉन dT हो जाएगी। तो यहां से dP की वैल्यू हम लिख सकते हैं dP इज इक्वल टू P इंटू dT। dT यहां पर ये वॉल्यूम एलिमेंट है, जहां पे डायपोल मोमेंट dP है, dT क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। जो लोग सिविल सर्विस आईएएस का एग्जाम या पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल पर पेपर देते हैं, उसमें डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है कि डायपोल के कारण जो है हम लें, और एक पोलराइजेशन वेक्टर पी है उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा पॉइंट पी पे उसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीका से क्वेश्चन डेरिवेशन के तौर पर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे डी वी की वैल्यू ले लें, और डी वी यहाँ से जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसको लिख दें dP डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। ये जो हमारे पास है dP डॉट r कैप को जब खोलेंगे तो लिखेंगे dP और r, r का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये आ रहा dP, ये रहा r, ये रहा, इनके बीच का एंगल ये आ रहा cos, क्योंकि हम सब क्या जानते हैं a डॉट b जो होता है वो हमारा होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। तो यहां से हम a की जगह पे तो क्या ले लें, dp ले लें, और b की जगह पर r यूनिट कैप ले लें, तो dp डॉट r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dp r का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे 1 cos थीटा। तो dP डॉट r यूनिट कैप की जगह पर dP cos थीटा लिखा जा सकता है। तो
इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता, तो इससे ये भी लिखा जा सकता। इस डीपी की वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 pi epsilon naught पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी टू। ये डी वी आ गया है। और वी कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर दें तो वी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught इंटीग्रल, इसे मैं लिख सकता हूं पी ग्रेडियंट 1/r into d2। और यहां पे लिख दूंगा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्योंकि एक माइनस चिन्ह जो है वो इसमें आ जाएगा, उसे हम ना लेने चाहते क्योंकि केवल हम v का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट 1/r कितना होता है बच्चों, ये होता है -r/r2। तो इसको जो हमारा r कैप r यूनिट कैप अपॉन r स्क्वायर था उसकी जगह पे ग्रेडियंट 1/r ले लिया हमने, और माइनस साइन को हमने क्या लिखते हुए खत्म कर लिया है, ये बताते हुए कि हम केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। अब यहां से देखें वैल्यू निकाल के, एक हमारे पास वेक्टर कैलकुलस से प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जेंस फाई ए इजकल टू फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ए ग्रेडियंट फाई। अगर हमारा एक फाई स्केलर है और ए वेक्टर क्वांटिटी है तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्या फॉर्मूला है डाइवर्जेंस फाई ए का, फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ए ग्रेडियंट फाई। क्या करें, ए की जगह पे तो वेक्टर पी ले ले पुट ए इजकल टू पी, और फाई की जगह पे ले लें 1/r। इसमें पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस पी अपॉन आर इजकल टू फाई की जगह पे 1/r ले 1/r डाइवर्जेंस ए की जगह पे पी ले लें प्लस ए, ए का मतलब पी ग्रेडियंट 1/r। तो बच्चों यहां से पी ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहां से पी ग्रेडियंट 1/r कितना आ गया इजकल टू डाइवर्जेंस पी अपॉन आर माइनस 1/r डाइवर्जेंस पी। इसको कुछ देर के लिए इक्वेशन वन मान लें, इसको इक्वेशन टू मान लें। उसके बाद क्या करें कि इक्वेशन टू को पुट कर दें इक्वेशन वन में। नाउ यूज इक्वेशन टू इंटू इक्वेशन वन, वी गेट जो मिला उसे लिख दें। वी हमारा क्या आ जाएगा, वी इजकल टू 1/4 pi epsilon naught डाइवर्जेंस पी अपॉन आर डी टॉ माइनस 1/4 pi epsilon naught 1/r डाइवर्जेंस पी इंटू डी टू। वी की वैल्यू ले लें, वी इजकल टू 1/4 pi epsilon naught इंटीग्रल। और एक चीज जरूर ध्यान रखें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले भी मैंने डिस्कस किया, फिर से बता रहा हूं कि यहां पे जब भी आप तीन इंटीग्रल ना लगाएं क्योंकि हम वॉल्यूम इंटीग्रल है तो टो लगा दें, इस टो का मतलब अपने आप ही क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रल।
क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल में तीन इंटीग्रल होते हैं। तो अगर आप या तो तीन इंटीग्रल लगा के चले और केवल एक ही इंटीग्रल से काम करना चाहते हैं तो टो लगा दें, जिससे क्या हो अपने आप पता चल जाए कि इसमें तीन इंटीग्रल अपने आप कवर हैं। इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह दें। यहां क्या किया था हमने, यूजिंग इक्वेशन टू एंड वन वी हैव। तो यहां से वी हमारे पास आ जाएगा v इजकल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट n कैप ds अपॉन r प्लस, यहां पे सरफेस इंटीग्रल लगा दें, प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस डाइवर्जेंस p d टू अपॉन r। यहाँ पे क्या किया है, इसके ऊपर डाइवर्जेंस पी अपॉन आर डी टो को किससे कन्वर्ट कर दिया है, कौन सी थ्योरम अप्लाई किए हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल, कौन सी थ्योरम यूज होती है, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम ने डाइवर्जेंस पी अपॉन आर डी टो को क्या बना दिया, पी डॉट एन कैप डी एस अपॉन आर। ये वैल्यू किससे लिखी गई है, स्टोक्स थ्योरम से। और सेकेंड टर्म में क्या किया है, यहां प्लस ले लिया है और ये माइनस साइन है ले लिया है। इस क्वांटिटी को सिग्मा बी कहते हैं, पी डॉट एन कैप को, सिग्मा डॉट बराबर पी डॉट एन कैप, दिस इज सेट टू बी क्या कहलाती है, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। सरफेस बी फोर बाउंड, सी फोर चार्ज, डी फोर डेंसिटी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। और ये जो ये वाली टर्म है इसको कहते हैं रोबी बराबर माइनस डाइवर्जेंस पी, दिस इज सेट टू बी वॉल्यूम बाउंड, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो v का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहां से v जो मिलेगा एट पॉइंट r मैग्नीट्यूड फॉर्म में वो आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख पाएंगे सिग्मा v ds अपॉन r सरफेस इंटीग्रल, प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो बी डी टॉप ऑन आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा वी आर का। तो जो ये फॉर्मूले हैं किसके, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बी बराबर पी डॉट एन कैप, पी है पोलराइजेशन वेक्टर है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, रो बी बराबर माइनस डाइवर्जेंस पी, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, इनका क्या फिजिक्स फिजिकल मीनिंग है, ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये सब मैथ था। डेरिवेशन आपको करा रहा था मैं वी का, जिसमें वी कैलकुलेट करा रहा था कि वी की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सिग्मा बी डी एस अपॉन आर प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रो बी डी टू अपॉन आर। और अगर सिग्मा बी डी एस को इसको जानने की कोशिश करोगे इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो सरफेस के ऊपर चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो ये है, और जो हमारा वॉल्यूम के अंदर चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो ये है, और नेट पोटेंशियल इन दोनों के सम के बराबर है। तो क्या होगा कि हमारे पास पोलराइजेशन है रो बी बराबर माइनस डाइवर्जेंस पी क्या बताएगा, और नेट बाउंड चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसमें कोई मैथमेटिक्स में कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, क्योंकि ये पूरा प्योर मैथमेटिक्स था, अभी इसमें कोई फिजिक्स जैसी चीज नहीं थी, केवल आपने क्या किया है मैथ से ड्राइव किया है इन फॉर्मूलों को, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि इन फॉर्मूलों को आपको डेरिवेशन पता चले कैसे डेवलप होते हैं।
अब हमें सीखना है कि ये हमें जो दोनों रिजल्ट हैं ये हमें ओवरऑल क्या बताने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीजें हमें यहां से सीखनी है। रो भी बराबर माइनस डाइवर्जेंस भी बताता है कि अगर हमारा पी कॉन्स्टेंट है, पोलराइजेशन चेंज नहीं हो रहा है पोजिशन के हिसाब से, तो रो भी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, पोलराइजेशन दो तरीका का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में पी क्या होता है, पोजिशन पर निर्भर नहीं करता, हर जगह पर फिक्स होता है, उसको कहते हैं होमोजीनियस पोलराइजेशन। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसमें और बताता हूं कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फायदे, और फिर एक जो पूरी वीडियो है उसमें अप्लाइड क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस इस पर आए हैं और उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। काफी क्वेश्चंस इस पर मैं देखता हूँ, नेट में, गेट में और जेस्ट में, सभी कंपटीशंस में क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है कंपटीशंस के लिहाज से और लगातार क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं। मैं कुछ इसकी फिजिक्स बताता हूँ थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इससे कनेक्टेड बताता हूँ। काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले टॉपिक में मैंने देखा पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझाने की कोशिश की थी, इसमें मैथ बता रहा हूं। अब देखें कि रो बी को जब हमने माइनस डाइवर्जेंस पी लिखा है, तो डाइवर्जेंस जो होता है अगर हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट में जाएं, तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट में से लिखते हैं माइनस डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के, ये डाइवर्जेंस का वो हो गया। और यहां से जो पी हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। इसे मैं लिख पाऊंगा माइनस डेल पी एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल पी वाई अपॉन वाई प्लस डेल पी जेड अपॉन डेल जेड। अगर हमारा पी कॉन्स्टेंट है तो पी कॉन्स्टेंट कब होगा, जब पी एक्स पी वाई और पी जेड कॉन्स्टेंट होंगे, उस समय पे डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डेल पी वाई अपॉन डेल वाई भी जीरो हो जाएगा और डेल पी जेड अपॉन डेल जेड भी जीरो हो जाएगा, तो रो भी हमारा कितना बन जाएगा, जीरो। तो ये क्या सीख रहे हो कि पोलराइजेशन कांस्टेंट में रो भी जीरो रहता है। बताता क्या है, रो भी हमें बताता है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पोलराइजेशन। दिस टेल अस नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पोलराइजेशन, ये हमें क्या बता रहा होता है कि पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है तो रो भी जीरो होगा होमोजीनियस पोलराइजेशन में, जहां पे पी एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं करता, डायरेक्शनल डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे केस में रो बी की वैल्यू जीरो होती है। तो रो बी बराबर हमारा ये बन जाएगा एक्सप्रेशंस माइनस डेल पी एक्स दिस वन। और साथ साथ ये भी ध्यान दें कि अगर हम नेट बाउंड चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि नेट बाउंड चार्ज हमारा कितना होता है, तो नेट बाउंड चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं साथ साथ आपको यह भी बताने की कोशिश करता हूं कि बाउंड चार्ज से क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज से जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो हमारा डायपोल होता है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो एक तरफ को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज की शिफ्ट हो गई, दूसरी तरफ नेगेटिव शिफ्ट हो गई, तो वो चार्ज जो हमें मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फ्री चार्ज नहीं है, वो बाउंड है, उसे आप अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। कब तक, जब तक आप डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना कर दें, और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आप करना नहीं चाहेंगे कभी भी, क्योंकि सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा।
तो ये जो नेट बाउंड चार्ज हम निकालने की कोशिश करते हैं उसमें क्यूबी जो हमारा होगा वो दो तरीका का क्यूबी होगा, एक होगा क्यूबी एस सरफेस पे बाउंड चार्ज और दूसरा बाउंड चार्ज जो वॉल्यूम में है। तो चार्ज कहाँ है, अगर यहाँ पूरे के पूरे अंदर, ये तो हमारा वॉल्यूम है अंदर और ये हमारा ऊपर सरफेस है, ध्यान दें डायपोल है हमारा, तो डायपोल में क्या होगा, ऐसा हो सकता है कुछ डायपोल का जो चार्ज डायपोल है उनका नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो तो ऊपर चला गया और पॉजिटिव वाला यहां रह गया अंदर, ऐसे बहुत सारा हो रहा है। तो आपको क्या पता चलेगा कि यहां नेगेटिव चार्ज, तो इन डायपोल का जो नेगेटिव चार्ज वाला सिरा अगर इधर पहुंच गया तो यहां चार्ज नेगेटिव होता चला जाएगा और अंदर पॉजिटिव होता रहेगा, नेगेटिव चार्ज तो तब भी जीरो ही रहेगा, समझे। सपोज किया हमारा -3 कूलम चार्ज सरफेस पर आ गया है, आप पूछेंगे सर क्यों आ गया है, तो मैं कहूंगा कि अंदर डायपोल्स हैं और डायपोल में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो हमारे पास क्या संभावना है कि जो तुम्हारे डायपोल हैं या तो वो अंदर वॉल्यूम में होंगे या सरफेस पर होंगे, इससे बाहर तो चार्ज जा नहीं सकता सरफेस से बाहर, तो क्योंकि यहां तो फ्री स्पेस है, या तो यहां वॉल्यूम में होगा या इसमें होगा। तो अगर सपोज किया हमारा -3 कूलम सरफेस पर आ गया है तो इसका मतलब है 3 कूलम चार्ज ऊपर अंदर होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि जो डायपोल है उसका नेगेटिव वाला पोर्शन इधर की तरफ आ गया है, तो पॉजिटिव यहां होगा अंदर, नेट चार्ज तो तब भी जीरो ही होगा। तो नेट बाउंड चार्ज सदा जीरो होता है, कैसे इसे दिखाएं कि क्यूबी एस की वैल्यू को और क्यूबी वी को जोड़ दे, ये बाउंड चार्ज है सरफेस का, ये बाउंड चार्ज है वॉल्यूम का, इसको कैसे लेकर चलेंगे, क्यूबी एस हमारा हो जाएगा सिग्मा बी इंटू डी एस, सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा होता है डी क्यू अपॉन डी एस, तो डी क्यू हो गया सिग्मा डी एस और ये हमारा, ये हो गया हमारा रूबी डीवी, नहीं पता चला ये कहां से लिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी से लिया है, दोनों पढ़ा रखी है मैंने, लेक्चर दे रखा है पूरा। सिग्मा बी की जगह पे क्या लिख दूं, पी डॉट एन कैप इंटू डी एस, इसकी जगह पे क्या लिख दूं, माइनस डाइवर्जेंस पी डीवी, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, डीटो से भी दिखा सकते हो उसे, ये वैल्यू स्टॉक्स थ्योरम में ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है वी डाइवर्जेंस पी इंटू डीवी के बराबर और ये वैल्यू भी वी माइनस डाइवर्जेंस पी डीवी है, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो गए, नेट बाउंड चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। ये हाँ तो स्टॉक्स, अच्छा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये, यस ये हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, क्या है, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट एन कैप डी एस बराबर इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस ए डी वी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम तो क्या करती है, सरफेस को लाइन में बदलती है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस को वॉल्यूम में बदलती है। तो यहां पर सिग्मा बी की जगह पर पी डॉट एन कैप डी एस ले लें, रो बी की जगह पर माइनस डाइवर्जेंस पी टी वी ले लें, इस पी डॉट एन डी एस की जगह पर डाइवर्जेंस पी टी वी लगाते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा जीरो आ जाएगा। क्या सीखा, क्यों आया ये चार्ज जीरो, ओवरऑल जब भी डायपोल बनते हैं डायपोलों का चार्ज जीरो होता है, अगर डायपोल यहां से खिसक के डायपोलों का, डायपोल का जो नेगेटिव सिरा है वो अगर सरफेस पर पहुंच गया तो पॉजिटिव सिरा यहां रह जाएगा अंदर वॉल्यूम में, जिससे क्या होगा, जितना यहां नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, बाकी जो अंदर थे उनका तो ऑलरेडी जीरो होगा। सरफेस पर क्यों पहुंचता चार्ज, जो डायपोल जो हमारे इंड्यूस्ड डायपोल है जो सरफेस जो अंदर वॉल्यूम में नहीं रह पाते उनका चार्ज सरफेस पर पहुंच जाता है, नेट चार्ज फिर भी जीरो होता है। एक कंसेप्ट जो मैं यहां बताना चाहूंगा वो ये है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक्स पर बात करेंगे, जब भी हम पोलराइजेशन पर बात करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो सदा जीरो आता है,
एक्सटर्नल पॉइंट पे, खासतौर से स्पेरिकल सिमेट्रिक केस में। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा वो सब चीज़ें और कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। इसमें चार पांच चीज़ें जो मुझे कॉन्क्लूड करनी है वो ये है कि तो ये दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ लें, ये कैसे आया, साथ साथ ये सीख लें कि क्यू बी जो है वो जीरो होता है, साथ साथ ये सीख लें रूबी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस फॉर्मूले से अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, और साथ साथ ये भी सीखें कि नेट बाउंड चार्ज हमारा जीरो होता है। जो सरफेस पे चार्ज नहीं होता मतलब नेगेटिव में होता है तो वो पॉजिटिव में उतना ही वॉल्यूम में होता है और इसका वाइस वर्सा, ये हमें केवल इसमें सीखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो थी, काफ़ी मैथमेटिक्स इसमें कवर करना था हमें, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।